हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गैस, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल्स पे देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। जी हां गैस, आप कैसे यूट्यूब पर प्राइवेट वीडियोस को देख सकते हैं, हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो गैस, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोल लेना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे राइट साइड अकाउंट खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए अपना चैनल खोल लेंगे, मतलब तो जो मेरा जिस नाम से चैनल बना हुआ है उसे हम खोल लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा चैनल खुल चुका है, और गाइस यहाँ पे राइट साइड में आपको प्रोफाइल यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। जब यहाँ पे शो कर रहा है आपका प्रोफाइल, तो आपको सीधा इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आपको यूट्यूब स्टूडियोज पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। आपको ये सारे काम आपको अपने चैनल पर करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम प्राइवेट वीडियोज़ को देखें तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो गैस, यहाँ पे आप देखिए इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको सीधा सिंपली से नीचे की ओर आना है और आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप जैसे ही जाएंगे, आपको नीचे यहाँ पे परमिशंस मिलेगा, ठीक है। परमिशंस जो मिलेगा, अब आप देखिए गैस, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वाइट कर सकते हैं किसे, जिसे भी आपको प्राइवेट वीडियोज़ को दिखाना है, ठीक है। लाइक जैसे कि मेरा ये चैनल है और इसमें हम कुछ प्राइवेट वीडियोस को रखे हुए हैं, और हम चाहते हैं इसे पब्लिकली ना करें, ठीक है, पब्लिकली ना करें। और हम चाहते हैं अपने ही मेंबर्स को, अपने फैमिली को, अपने ही फ्रेंड्स सर्कल में इस चीज़ को दिखाएं, ठीक है। वीडियोस को जो भी इसमें कंटेंट डाले हुए हैं हम पब्लिकली ना डालकर हम चाहते हैं अपने फ्रेंड लिस्ट में दिखाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने का मतलब यहाँ पे आप इनविटेशन दे सकते हैं कि आप मेरे वीडियोस को आप देखो, ठीक है। आपको बस यहाँ पे सिंपली सी ईमेल आईडी टाइप कर देनी है उसका, जिसके पास आप परमिशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली सी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप कर देना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको यहाँ नीचे एक्सेस बटन मिलेगा। एक्सेस बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप मैनेजर देते हैं, अगर आप किसी को एज अ मैनेजर इनवाइट करते हैं, तो ये इससे क्या होगा कि कैन ऐड एंड रिमूव, मतलब उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है आपके डेटा को, ठीक है। एडिट एनीथिंग, कुछ भी एडिट कर सकता है, कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकता है, हो सकता है आपका चैनल का नाम भी बदल दे। तो गाइस, ऐसे में आप एज अ मैनेजर बहुत ही सोच समझ कर इन्वाइट कीजिएगा। एज अ मैनेजर हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप किसी को वीडियोस दिखाने के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने चैनल का वीडियोस दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ नीचे की ओर आइएगा और यहाँ एज अ व्यूअर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ व्यूअर एज अ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए लिख रहा है कैन सी एवरीथिंग, वो आपके वीडियोस को सिर्फ देख सकता है। कैन एडिट एनीथिंग, आपके वीडियोस या फिर आपके डेटा से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस वगैरह वो नहीं कर सकता है। तो गैस, अगर आप प्राइवेट वीडियोस को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस में व्यूअर को सेलेक्ट करके रखना होगा, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं, किसी को इन्विटेशन देते हैं ताकि वो मेरे वीडियोस को देखें, इसमें जो भी वीडियोस हैं। तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं ईमेल आईडी। एक मिनट, मैं ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ ताकि किसी और के पास इनवाइट न चला जाए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तब तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से देते जाइएगा,
और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। हाँ तो गाइस ईमेल आईडी सही है, हम मिला लिए ईमेल आईडी सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे यहाँ व्यूअर एज अ पेंडिंग इन्विटेशन दिखा रहा है। ठीक है, हम इसे करते हैं सेव, इसे कर दिए हम सेव, इसे करते हैं वेरीफाई इट्स प्रोसेस, प्रोसीड कर दिए। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो हम वेरीफाई कर देंगे। अगर आपके पास है मोबाइल तो आप अपना कोड डाल दीजिएगा। बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप चैनल का प्राइवेट वीडियोस का इनविटेशन दे रहे हैं, मतलब आप आपके चैनल के हर एक वीडियोस को वो वॉच कर सकता है। ठीक है, भले वो चेंजिंग वगैरह ना कर पाए लेकिन आपके वीडियोस को वो देख सकता है, तो इस बात का केयरफुल्ली हमेशा से ध्यान रखें और गलत ऑप्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप मॉडिफिकेशन वगैरह का अलाउ दे सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन ना चुने, सिर्फ और सिर्फ व्यूअर का ऑप्शन चुने ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियोस आपके चैनल पे वीडियोस को देख सके, प्राइवेटली वीडियोस को देख सके और जो भी आपके चैनल का डाटा हो वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात का केयरफुल्ली ध्यान रखें क्योंकि चैनल बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इस बात को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं उस ईमेल आईडी की ओर, उस ईमेल आईडी को खोलते हैं और देखते हैं कि इनविटेशन कैसा आया है। तो वैसे हम यहाँ पे ईमेल आईडी को खोल दे रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड डाल रहे हैं, यहाँ पे लोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना जीमेल खोलेंगे इसका। ठीक है, इसका जीमेल अकाउंट खोल लेंगे। तो गैस यहाँ पे देखिए आपको ऊपर से ऐड मिल रहा है YouTube का कुछ नोटिफिकेशन, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है डेविल शर्मा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू एक्सेस पवन कुमार। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम आ जाएंगे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियोज टैब में। तो गैस यहाँ पे कुछ अलर्ट्स दे रहा है, ऑल सेट, सब सही हो गया है। अब यहाँ पे चैनल का नाम दे रहा है, योर रोल, आपका जो रोल है बस वही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे आप गो टू चैनल पे क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है इसके लिए। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, ये सब सारे नोटिफिकेशन वगैरह दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे योर व्यूअर, आप एक व्यूअर के रूप में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी वीडियोस को, इसमें जो बहुत सारे वीडियोस को शॉर्टेस्ट वीडियो डाले हुए हैं, हम यहाँ पे अगर हम एडिट करें तो एडिट का देखिए क्या होता है, अगर हम करना चाहें तो देखिए ये सारे सारे के ऑप्शन जो है वो हिडन है, सारे के सारे हिडन है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, ना कि कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो गैस अगर आप प्ले करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो चलिए मैं एक वीडियो को आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वीडियोज़ पर क्लिक करते हैं, तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो यहाँ पे चलना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो प्राइवेट वीडियोस नहीं है, हम आप प्राइवेट वीडियोस को कैसे देख पाएंगे। तो वीडियो आप प्राइवेट हो या फिर आपका पब्लिकली हो आप देख सकते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट करके दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं आपको, चलता हूं ओरिजिनल चैनल पे लेकर और यहां पे मैं आपको प्राइवेट वीडियोस करके दिखाता हूं, ठीक है। कंटेंट में जाता हूं, कंटेंट में जाने के बाद मैं उसी सॉन्ग को, ये बारिश, ये कुछ था बारिश बन जाना सॉन्ग, इसे हम एडिट कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है। इस वीडियो को हम प्राइवेटली सेव कर देते हैं, ठीक है। ये वीडियोस मेरा प्राइवेट हो चुका है, अभी हम चलेंगे, अभी हम चलेंगे उस टाइप की ओर जिसमें हम एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, देख रहे हैं यहाँ पे दे रहा यू आर ए व्यूअर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वीडियो को प्ले करते हैं, देखिए गाइस यहाँ वीडियोस के नीचे आपको दे रहा है प्राइवेट स्टेटस, आप देख सकते हैं फिर भी मेरा वीडियोस चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस आई होप आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर अगर वो वीडियो आपको पूरी तरह से देख लेता है, अगर आप चाहते हैं कि आप परमिशंस को हटा दें तो आप हटा सकते हैं। अगर उसके लिए आपको चैनल खोल लेना होगा, आपका अपना चैनल खोल लेना होगा, ठीक है। आपको अपना चैनल खोलने के बाद आपको फिर वापस से सेटिंग्स में जानी है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वहीं परमिशन सेटिंग में जानी है और यहाँ पे आपको क्लिक करके रिमूव एक्सेस कर देना है। तो आप जैसे ही रिमूव एक्सेस करेंगे और सेव करेंगे तो वो क्या होगा, अब वो आपकी वीडियोज़ को नहीं देख पाएगा और ख़ास करके उस वीडियोज़ को जो आपका प्राइवेट हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अभी हम फिर से एक बार इसे प्राइवेट कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अभी हम इसके परमिशन वाले पे आते हैं, जिस पे हमने पहले परमिशन दिया था उस पे आते हैं और इस वीडियो को प्ले करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो वीडियोज़ इज़ प्राइवेट है। यहाँ पे आपको मैसेज भी दे दिया है कि वीडियोज़ आपका प्राइवेट हो चुका है तो आप वीडियोज़ को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से देते जाइएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।